ब्रह्मा विष्णु बनाने के लिए 5000 साल ब्रह्मा से विष्णु बनने में लंबा टाइम लगता है। विष्णु को उल्टा कर दिया। हाँ क्या पूछना चाहते हैं? ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं। ब्रह्मा है पतित और विष्णु है पावन, माने पतित को पावन बनने में 1 सेकंड लगता है। ये ऐसा कि बात समझ में आ जाए, बात बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान निराकार है या साकार कृष्ण है? निराकार निराकार कैसे ज्ञान सुना? ब्रह्मा की बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है कि निराकार ज्ञान सुना लेगा गीता का? उनकी बुद्धि में तो बैठा नहीं, वो तो अपने को ही समझते। जो 63 जन्म उनकी बुद्धि में फाउंडेशन पड़ा है, क्या फाउंडेशन पड़ा? गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? गीता का ज्ञान देने वाला 63 जन्म उनकी बुद्धि में क्या बैठा? कृष्ण जन्म लिए कि नहीं लिए? कृष्ण जी जो 83 जन्म लिए द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक, तो उनकी बुद्धि में क्या गुरु ने बैठाया? गीता का भगवान कृष्ण। और लास्ट जन्म में आकर के उनको पता चल गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। तो जब गीता का भगवान कृष्ण मैं ही हूँ, तो गुरु गुरु सब भूल गए। यज्ञ के आदि में उनको कितने पढ़ाई ये उनको याद रहा क्या? तो शिवो हम बन के बैठ गए। जब शिवो हम बन के बैठ जाएंगे, मैं आत्मा तो परमात्मा, परम पाठधारी हीरो पाठधारी, तो जब हीरो पाठधारी खुद ही बन के बैठ गए, तो हाँ तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? मुरली में तो बोला जो अपन को भगवान समझते हैं, भगवान कहते हैं, वो क्या है? बड़े से बड़े रहना कच्चे पर, तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? तो दुर्गति होगी। इसलिए पहले ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठे, तब हम बच्चों की बुद्धि में बैठे क्या? गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। निराकारी इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा का एक भी चित्र नहीं है। जो क्राइस्ट गुरु नानक और महात्मा बुद्ध की तरह निराकारी स्टेज वाला हो, वो चित्र है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने हजारों चित्र खींचे होंगे, कोई एक भी चित्र है निराकारी स्टेज वाला? नहीं है। सारे चित्र कैसे है? साकारी स्टेज को दिखा रहे हैं, तो उससे साबित होता है कृष्ण की आत्मा है साकार और उसका बाप वो है निराकार। है भले साकार शरीर में, लेकिन साकार शरीर में होते हुए भी निराकारी निर्विकारी और निर्हंकारी का पार्ट बजाता है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, तब कहा जाता है निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी। बिंदी बन के रहे तो निर्विकारी है कि विकारी है, ये कैसे पता चलेगा? बिंदी को विकारी और निर्विकारी कहेंगे क्या? नहीं। साकार शरीर में प्रवेश करके साकार शरीरधारियों के संग के रंग में आकर के उनसे मिलना जुलना करके भी, उनके साथ रह के भी, उनके साथ आके तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सांसों साथ साथ निभाऊं और फिर भी निराकारी रहे, उसका दायित्व है निराकारी निर्विकारी और निर्हंकारी, उसको कहेंगे एवर प्योर। नहीं तो क्या होता है? चाहे वो सृष्टि का पहला पत्ता हो
और चाहे वो सच मनुष्य सच्चे रूपी वृक्ष का लास्ट पत्ता हो, अगर कोई देहधारी के संग के रंग में आएगा तो संग का रंग उसको जरूर लगेगा, और संग का रंग लगेगा तो भिखारी बनेगा, तो उसको फिर एवर प्योर कहेंगे, उसको एवर प्योर नहीं कहेंगे। कोई भी आत्मा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करे, साथ में रहे, तो देवता तो बन सकती है, क्या देवात्मा बन जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। वो सिर्फ एक के लिए ही गायन है, और एक का ही गायन है कि वो जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ऊंच से ऊंच बाप गाया जाता है। धर्म पिताओं में भी सबसे ऊंच एवर प्योर गाया जाता है। तो जो एवर प्योर है उस एवर प्योर की पूजा भी होती है सबसे जाती। जो भी पूजा होती है प्योरिटी की पूजा होती है, क्या इम्प्योरिटी की पूजा नहीं होती। रावण है इम्प्योर और राम है प्योर। शिवशंकर को दो लड़के लड़का चाहिए बताओ, दो लड़का शिव को दो लड़का दिखाते हैं कि शंकर को दिखाते हैं? हाँ, एक गणेश और एक कुमार, कुमार को एक गणेश दिखाते हैं, उसको सुमन वाला दिखाते हैं, उसको बहुत देवान था, है? वो देवान कहाँ था, पूरे शरीर में देवान था या मुख में ज्यादा देवान था? ज्यादा देवान कहाँ था, है? मुख में बहुत लंबा देवान था, बड़ी लंबी नाक दिखाते, मुख में देवान दिखाते हैं ना, कान बहुत बड़े बड़े है, और आंखें हैं तो भले छोटी लेकिन बड़ी मदमाती, मद भरी हुई आंखें, लेकिन बड़ा भारी निर्वाण भरा हुआ है। कान भी ऐसे बड़े बड़े कान, बहुत ज्ञान सुनता है, क्या ज्ञान भी बहुत सुनता और दूसरों को सुनाता भी बहुत है। सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग का कर्म बहुत करता है, और फिर माथा भी बड़ा चौड़ा दिखाया जाता है, क्या बुद्धिमानों में बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं इसको गणेश, और उनका नाम भी रखा है गणेश, क्या जो भी देवगण है उनका ईश, ईश्वर माने उनको कंट्रोल करने वाला, क्या कौन सी होते देवताओं की दुनिया शुरू होती, देवताओं की दुनिया सतीभूत संगम युग में लक्ष्मी नारायण देवता नहीं होते, लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती होते, उनको देवी देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे भगवान भगवती, और सतीभूत में देवता होते, तो देवताओं में पहला देवता कौन है, कृष्ण, जो कृष्ण की आत्मा है वही गणेश, क्या अभी भी जब से बाप बाप का पार्ट बजाते हैं, बाप के रूप में टीचर के रूप में सदगुरु के रूप में जो पार्ट चलता है उसमें सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़ने वाला कौन, कृष्ण बच्चा यहाँ पढ़ाई पढ़ता है और फिर वहां बेसिक नॉलेज में वहां जाकर के वहां सुनाता है, जो अद्वैतवादी चलती है उसमें जो ज्ञान के राग आते हैं वो ज्ञान के राग कौन सुनाता है, कृष्ण की सोल ब्रह्मा की सोल वहां वो सुनाती है। फिर वो तो बड़े बच्चे थे सब पढ़ते भी, क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कोई मॉनिटर होता है ना, तो जो मॉनिटर होता है उससे दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई भी
पढ़ाई भी पढ़ते कुमार उसमें कुमार तो हैं वो कुमार है उसको कार्तिकेय कहा जाता है क्या क्या करता है टिक 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 बहुत करता है क्या ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है उसको छह मुंह दिखाए जाते हैं क्या षण्मुख एक मुख नहीं छह मुख अरे एक मुख होता है तो मुख से क्या करता है आदमी मुख से बोलता है हैं मुख से बोलता है उसको छह मुख है तो कितना बोलता होगा बहुत बोलता होगा छह तरह की बातें बोलता है क्या इस्लाम धर्म की भी बातें बोलता है कभी इस्लाम धर्म में चला जाएगा वहां जान मिलेगा बजा देगा कभी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन जैसी बातें करेगा कभी बौद्ध धर्म बौद्धियों जैसी बातें करेगा कभी मुस्लिम मुसलमानों जैसी बातें करेगा मुसलमानों जैसे कर्म करेगा कभी सन्यासी सन्यासी जैसी बातें करेगा सन्यासी जैसे कर्म करेगा कभी सिख सिखों जैसी बातें क्यों धर्म की बातें क्यों धर्म के संस्कार भक्ति मार्ग के उसमें कूट कूट के भरे हुए उसको कहते हैं कार्तिकेय ज्ञान की बहुत चिक करता है लेकिन प्रैक्टिकल में नर से नारायण बन नहीं सकता है कृष्ण वाली आत्मा है वो तो सतगुरु पहला पत्ता बनती है ना तो जो कार्तिकेय कार्तिकेय वाली आत्मा है पहले जन्म कौन लेती है कार्तिकेय की आत्मा का पहले जन्म या गणेश जी का पहला जन्म है कार्तिकेय का जन्म पहले दिखाते हैं और गणेश का जन्म बाद में दिखाते हैं कौन मातेला और कौन पितेला कार्तिकेय जो है तो वो पहले जन्म लेता है एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो पहले पहले जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है और जो पहले पहले एडवांस के पेपर छपाता है लिटरेचर छपाता है सब सेंटेंस में भेजता है वो कहा जाता है कार्तिकेय क्या बहुत ज्ञान की टिक करता है भक्ति मार्ग का आडंबर ज्यादा है ज्ञान गहराई से समझ नहीं पाता है बाप को पूरा पहचाने ये नहीं हो पाता दो बच्चे जो दिखाए जाते हैं भक्ति मार्ग में एक तो बिल्कुल शिष्य धारण करने वाला जो भी धर्म पिताए हैं जो भी दूसरे धर्म वाले हैं वो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं वो निराकार को ज्यादा मानते हैं तो उनमें मुख्य है कार्तिकेय और जो साकार को मानने वाले हैं उनमें दिखाई जाती है कथा गणेश जी की कि सब देवताओं से कहा कि दुनिया का चक्कर लगा के आओ जो चक्कर पहले लगा के आएगा वो ही देवताओं को मुखिया कहा जाएगा तो सबने तो अपने अपने वाहन पकड़े कार्तिकेय ने कहा है रे हमारे पास तो बड़ा पक्षी है बैठ गए और चक्कर लगाने निकल पड़े और गणेश जी ने कहा अरे हमारी सवारी तो छुआ क्या जो व्यक्ति होते हैं तो हमारी सवारी तो चूहा है घरों में छेद कर लेता है नीचे नीचे खेद करके सारा खोखला कर देता है तो उनका कोई बात नहीं
हमारे माँ बाप ने ही सारी दुनिया समझी हुई वो थे साकार उपासी कौन गणेश जी उन्होंने फटाफट चूहे की सवारी की और अपने अम्मा बाप का चक्कर लगा लिया साकार और कार्य के बगैर सब देखता है कृष्ण की आत्मा है साकार उपासी वो निराकारी बनती ही नहीं कभी क्या वो पहला पत्ता है सच्ची है और जो भी आत्माएं हैं निराकारी बनने वाली साकार को न मानने वाली उन सब आत्माओं में जो बीज है सबसे मुख्य है जो इब्राहिम का भी बाप दादा बनता है क्या इब्राहिम जब ऊपर से नीचे आता है तो जिस सेकंड नारायण में प्रवेश करता है वो तो सचिव का सेकंड नारायण होता है जो द्वापर में इब्राहिम का आधार बनता है लेकिन उसका भी बाप कौन होता है उसको भी जन्म देने वाला वो कार्तिकेय जी की बनता है इसलिए भगवान दक्षिण में ही दिखाते हैं हाँ कार्तिकेय को विशेष मान्यता दक्षिण में इस्लाम धर्म के बाबा आखिर सिख धर्म में कौन कौन से आत्मा है जाएंगे बाबा आखिर सिख धर्म है पहले क्षत्रिय कहते थे और बाद में बौद्ध लोगों को भी कह दिया ऐसा कौन कौन जा सकते हैं ऐसा है कौन कौन से गृहिणी है जिनमें संन्यास धर्म चलता है और कौन कौन से स्वधर्मी है जिनमें संन्यास धर्म चलता है जो भी धर्मी है सब सन्यासी है इस तरह प्रवृत्ति मार्ग के तो कोई है ही नहीं लेकिन जो बौद्ध जी है वो सन्यासी शुरुआत में बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति मार्ग था बाद में जब इन्होंने साथ साथ पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी एक ही स्थान में स्त्री पुरुषों को रख दिया तो उनमें व्यभिचार फैल गया इसलिए जो उन्होंने बैराग आ गया सन्यासी धर्म वहां से सन्यास धर्म शुरू हुआ और उसकी अति कर दी सन्यास धर्म शंकराचार्य ने और दोनों का बीच का रास्ता जो है वो सिखों ने अपनाया सिखों में सन्यासी भी होते हैं और सिखों में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले तो नहीं है लेकिन एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी ये बात को मानने वाले हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी पवित्रता को विशेष मान्यता है बौद्ध धर्म विशेष मान्यता है संन्यास धर्म और विशेष मान्यता है सिख धर्म लक्ष्मण को राम राम है जोड़ी दिखाते हैं लक्ष्मण को राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाते हैं जोड़ी दिखाते हैं महाभारत में कृष्ण और बलराम की जोड़ी नहीं दिखाते क्या हैं महाभारत में कृष्ण और बलराम की जोड़ी दिखाते हैं वहां भी राम यहाँ कृष्ण की आत्मा और उसके साथ राम की आत्मा नहीं यकी की आदमी भी रामकृष्ण दोनों थे ना और अंत में भी रामकृष्ण दोनों की ही आत्मा के द्वारा संपन्न कार्य होता है ब्रह्मा तो विष्णु बनता है सब नंबर बात सब विष्णु बन जाते हैं सब आनंदपुर में चले गए अनंतपुर कौन सा है जिसका अंत ही नहीं है कौन सा है अनंतपुर अनंतपुर माने क्या है अरे कौन सा पुर है जिसका अंत ही नहीं है ऐसा कोई पुर नहीं जिसका अंत नहीं है अमरपुर अमर लोग द्वापर युग में आके उसका अंत नहीं हो जाता अमर लोग जो है
जब सचिव तरीका पूरा होता है तो उसका अंत हो जाता है, उसे अनंतपुर थोड़े कहेंगे। नहीं याद आ रहा है? और ये कैसा अनंतपुर सब भूल गए? अरे परम नाम को ही कहते हैं अनंतपुर, परम नाम जिसका कोई अंत ही नहीं है। परम नाम की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता। अनंत काल तक है, उसका काल का भी अंत नहीं, उसके देश का भी अंत नहीं। बाबा ये 5,000 साल के एक बार चक्र फिरता रहते हैं ना, ऐसे हम इसी पृथ्वी पर भी वही रहते हैं ना, इसी पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेते रहते हैं, ऐसे 5,000 के एक बार ऐसे होते रहते हैं, ऐसे कितने बार होते हो सकते हैं बाबा? ये बार होते काल ऐसे ही होता है। आत्मा कितनी बार जन्म लेती है? अरे आत्मा कितनी बार जन्म लेती? 84 जन्म में एक कल्प में लेती। एक कल्प में जन्म लेने के बाद फिर जन्म नहीं होता है? होता है ना, तो कितनी बार जन्म लिए होंगे? तो लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। जैसे आत्मा को लिमिट में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे ही दुनिया के जो 5 तत्व हैं वो कितनी बार चक्कर लगाते हैं वो लिमिट में नहीं बांधा। अणु अणु सब अपना अपना चक्कर में बंधे हुए हैं। जो अणु जहाँ से चक्कर काटना शुरू करता है फिर वहां से अंत में जाकर के फिर वही पहुंचता है। माउंट आबू का पहाड़ ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है, दुनिया में एक ही ऐसा पहाड़ है जो बहुत मजबूत पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा है कि दुनिया में छोटा मोटा विनाश होता रहेगा वर्षों तक, वो भूकंप में उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो विनाश होगा वो इतना बड़ा भूकंप होगा कि वो भी झूठा की बात नहीं, वो भी पिघल करके खेल खराब हो जाए। भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी फटती है, थोड़े समय तक ज्वालामुखी फटती रहती है, टाइम होता है उसका लिमिट, ठंडी हो जाती है। कोई में ज्यादा तीखी आग होगी, कोई में सब कम तीखी आग होती है, ज्यादा तीखी आग होती है तो पत्थर मजबूत बन जाता है ठंडा होने पर, और कम तीखी आग होती है तो पत्थर थोड़ा कच्चा रहता है। तो ऐसे ही ग्रेनाइट का पत्थर जो बनता है बड़ी जबरदस्त आग होगी, तो उसका भी अंगड़ पिघल करके सब जहां सब पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगा। जिनको नई दुनिया की सृष्टि बनानी होगी वो तो अपने पंपक ही जाएंगे, तो खुदा के बंदे हैं, उनको तो पहले से ही कर्म साल आ जाएगा है, पहले बहुत परिचय है। और विष्णु के पालना के पालना में आते हैं ना वो, उस समय कोई याद करने की भी दरकार नहीं है ना, आपने किसी की बन गई फिर याद किसको करें? जब आपने किसी की सदाकाल की बन जाए फिर किसको याद करेंगे? जब तक देहभान है तब तक देहभान को नष्ट करने के लिए विदेही को याद करने की जरूरत है, देहभान को नष्ट करने के लिए किसको याद करें? विदेही को याद करें, और जब देहभान ही खराब हो गया तो फिर विदेही को याद करने की दरकार ही नहीं। तो ये पालना वाना क्या होते हैं? पालना दिव्य गुणों की पालना, जो दिव्य गुणधारी हैं उनकी पालना होगी, जो अगुर हैं
मरने जा रहा था एक टाइम लिमिट है, जैसे वो पढ़ाई होती है तो उसकी भी टाइम लिमिट होती है, ये भी नहीं सुनिए पढ़ाई है, आखिर कब तक पढ़ाते रहे? देवान में जब तक जीना है तभी तक जीना है ना, तो देवान को जो जल्दी जल्दी काट लेंगे उनका पीना खत्म। वार्तालाप का क्लास टीपी गुडम में उतना क्यों नहीं चल रहा है?
इतना और जगह चलता है। या तो भाषा की प्रॉब्लम, भाषा की प्रॉब्लम की वजह से जो अंदर बात होती है वो बाहर खुल करके नहीं आती। इसका समाधान ये है कि जो हिंदी जानने वाले हैं उनके पास भाषा न जानने वाले बैठे और उनको अपनी बात समझा दें कि हमारे अंदर क्या घुटन चल रही है और अपनी बात को क्लियर कर लें। हाँ जी बाबा, जो ज्ञान में चलते हैं, जो ज्ञान में बड़े हैं, बड़े हैं उनको बड़ा कहा जाता है ना, तो किसी अच्छे साधन को बड़ा कहा जाता है। ज्यादा भाषा चलाने की वजह से बड़ा कहा जाता है। तुलसीदास ने लिखा है, पंडित तो सोई जोई गाल बजावा। क्या पंडित ज्ञानी वो है जो ज्यादा गाल बजाता है। ये बात सही है क्या है? ये बात सही है? पता नहीं, छोटे बड़ों का ध्यान नहीं रखना, किसी का रिगार्ड नहीं रखना, उसको बड़ा कहा जाता है। छोटे हैं उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए, बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, खास करके संगम युग में, तो आगे क्या होगा? आगे आने वाले जो है वो उनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। और बाबा हम सब अच्छी स्वर में रहेगा बाबा, हम सब पक्षी स्वर में रहेगा। बोल में हज हज में हज में हज में हम पक्षी पक्षी हम सा स्वर में रहेगा हज में। हंस पक्षी हंस पक्षी हाँ जी स्वर में रहेगा। स्वर में क्या स्वर पक्षी स्कूल अंश पक्षी जो होता है वो मानसरोवर झील के पास होते हैं। जो मानसरोवर झील है वो पहाड़ों पर बहुत ऊंची स्टेज में दिखाई गई। वो झील भी स्थूल है और वो पक्षी भी स्थूल है। और यहाँ है सूक्ष्म बात, जो ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं ज्ञान की भी ऊंची स्टेज में और याद की भी ऊंची स्टेज में, धारणाओं की भी ऊंची स्टेज में और सेवा में भी ऊंची स्टेज में, वो हंस कहाँ रहते हैं? मन बुद्धि से ज्ञान मान सरोवर के नजदीक किनारे। तो स्थूल वाले हंसों से तुलना की गई है। परमहंस दो कहे जाते हैं, राम कृष्ण परमहंस। कौन? राम और कृष्ण दोनों नाम एक के ऊपर भक्ति मार्ग में रख दिए। बहुत प्रसिद्ध परमहंस माना गया और असली बात कहाँ की है?
संगम युग में राम और कृष्ण रूप की आत्माएं जो परमहंस का पाठ बजाती है, कंकड़ कंकड़ छोड़ देते और मोती मोती को चुम लेती है। नीर खीर विवेकी होते हैं, पानी पानी छोड़ देते और यथार्थ अर्थ की बातों को पकड़ लेते, माने दूध को पी लेते, दूध और पानी इकट्ठा करके जो स्थूल हंस है उनके सामने रख दिया जाए, उसके गले में चोंच में ऐसी चिप्त है कि वो पानी पानी छोड़ देगा और दूध दूध को पी लेगा। तो दुनिया की जो मिसाल है स्थूल रूप में वो संगम युग की सूक्ष्म बातों पर लागू होती है। ज्ञान भक्ति रहना कर्तव्य होगा। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की अंधश्रद्धा की बातों से वैराग आ जाता है। भक्ति में होता है ये अंधश्रद्धा, बिना सोचे बिना समझे भक्ति करते रहते हैं, भागते रहते हैं, उन बातों से वैराग आ जाता है, उनको छोड़ देती है आत्मा। और बाबा तांत्रिक गुरु लोग आप बंद करके अचानक लड्डो ऐसा कोई चीज खोल के दिखाते हैं ना, हाँ जी, तो अचानक कैसे आते हैं बाबा उनके हाथ में? जो भूत प्रेत होते हैं वो एक प्रकार से पावरफुल हवा होती है, प्राणवायु, उनको शरीर का बंधन नहीं होता, तो वो थोड़े समय के लिए कोई भी चीज कहीं से हटा कर दूसरी जगह कर देते हैं, उनका भी हिसाब किताब बनता है। ये मैली विद्या करने वाले लोगों का करिश्मा है, जो अपने को दूसरों के सामने भगवान साबित करना चाहते हैं। इन फूसी बातों के चक्कर में अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत बनते ही वो है जो ज्यादा पाप करते हैं। जो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो देवी और देवताएं बनकर के बैठते हैं, कोई में प्रवेश करके ऐसी एक्ट करते हैं कि हम कोई देवता है, हम कोई देवी है, हमारी पूजा करो, कोई फिर अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। तो महापाप की बात है, ज्यादा पाप ना बने इसलिए ये नियम बना हुआ है प्राकृतिक कि ऐसी आत्माएं थोड़े समय के लिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता, कोई कोई लंबे समय तक भी शरीर धारण नहीं कर पाती। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उन शरीरधारियों के द्वारा पाप पुण्य बढ़ाती रहती, पुण्य तो बढ़ा नहीं सकती लेकिन पापों का उनका हिसाब किताब है जो पूरा करती रहती। और बाबा अगर यज्ञ में कोई नुकसान होता है तो कुछ दिनों देखने में भी नहीं ठीक हो सकते? जो छोटे अपने को छोटा ही समझते हैं तो बोलने की क्या दरकार है? कायदा कानून ये कहता है जो निमित्त हैं उनके आर्डर पर चलना है। ये तो रूहानी मिलिट्री है बाप की, मिलिट्री में ऊंचे ऑफिसर की तरफ नीचे का बंदा नजर उठा के भी नहीं देख सकता।
और यहाँ तो बाप के सामने ही बेअदबी करते रहते हैं। जो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है उसकी भी बेअदबी करते रहते हैं। तो बड़े बड़े राजाओं का क्या सम्मान करेंगे? खुद भी जानते हैं हम सर्विस कुछ नहीं करते। सुबह से शाम तक रोना धोना रड़ापा करना, और बातें बनाने में बड़े आगे। तो पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बन रहा है। उनको कहेंगे बच्चा बुद्धि। और हाँ जी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को सत्युग में जन्म देने वाले वाइब्रेशन की पावर से जन्म देने के निमित्त बनेंगे, इसलिए उनको कलातीत कहा जाता है। उनको कहेंगे इंद्रियों से परे का सुख लेने वाले। इंद्रियों का सुख नहीं होगा, आंख भी इंद्रिय है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में एक सैंपल रखा हुआ है लक्ष्मी नारायण। वो आपस में एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, और राधा कृष्ण जो बच्चे के रूप में नीचे खड़े हुए हैं वो एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टि का सुख है, सात्विक सुख है, ततो प्रधान इंद्रियों का सुख है। वो सुख लेने से भी पूरे जन्म में चौथाई कला कम हो जाएगी। तो नीचे गिरना हुआ या ऊपर उठना हुआ, नीचे गिरते। और संगम भी लक्ष्मी नारायण अंत तक ऊंचे उठते रहेंगे, नीचे गिरने की बात ही नहीं। अंत तक कमाई का सिलसिला चालू रहेगा। और टाइम समय दो कहाँ है, एक ही तो है। सूर्य उदय होता है वो भी सूर्य एक ही है, और सूर्य अस्त होता है वो भी सूर्य वही है। डुबोने वाला है रावण, और उदय कराने वाला है राम। देवों का नाम दिया ना है, माताओं का कन्याओं का नाम दिया ना संता। हाँ, ये दोनों माता या कन्या? माताओं कन्याओं को उठाने वाला कौन? अरे माताएं कन्याएं गिरी हुई हैं, जैसे कलयुग में सबसे जास्ती गिरी हुई कौन है? माताएं कन्याएं, उनको उठाने वाला कौन है? फिर सबके लिए एक ही निमित्त है। और मधुबन मालूम को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका बुद्धि भारतीय दुनिया में मान मतलब के लिए जा रहा है। तो बाबा जो मान मतलब नहीं करना चाहते हैं क्या उसको भी छोड़ना पड़ेगा? नहीं
मधुबन में जो अपने को मधुबन को मधुबन की बकौती समझते हैं कि हमारा यहाँ अधिकार है, हम यहाँ अधिकारी हैं, वो मधुबन वाले हुए, या जो मधुबन में अपनी बकौती नहीं समझते हैं, जहाँ भी उनको सेवा मिलेगी वहाँ चले जाएंगे आराम से, वो मधुबन वाले हैं। मधुबन वाले किने कहा जाए है? नहीं तो वो तो बाहर चले गए, वो मधुबन को अपना थोड़ी समझते हैं, वो तो सेवा के फील्ड को अपने समझते हैं, और सेवा का फील्ड कोई मधुबन में ही तो होता नहीं। तो मधुबन वाले कौन हुए जो हकदार समझ करके बैठे हुए? वो मधुबन वाले हुए। जो दुकान वाला कौन कहा जाएगा? जो दुकान में जम के बैठा हुआ है, दुकान मेरी है तो दुकान वाला हुआ। घर में जम के बैठा हुआ है, कंट्रोल चला रहा है तो घर वाला हुआ। खेत में जम के बैठा हुआ है, खेत वाला हुआ। तो ऐसे ही मधुबन वाले कौन है जो मधुबन में जम करके बैठे हुए हैं? उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। क्या मधुबन एक का है या सबका है? सबका मधुबन है। कोई कंट्रोल करके बैठ जाए कि मेरा ही है, मेरी यहाँ चलेगी, वो हो नहीं सकता। इसलिए बोला कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान के ऊपर कोई असाथी बन करके बैठे हुए, ये मुरलियां हमारे बाप की बपौती है, हम जिनको चाहेंगे उनको देंगे, जिनको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। ये ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। ईश्वरीय ज्ञान किसी के लौकिक बाप की बपौती नहीं है। इसलिए बोला ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। बाद में कोई संदेश देने की बात रहेगी क्या? तपस्या धाम जाने के बाद अगर आत्मा की परीक्षा हुई, तपस्वी तेज में रहते हुए और वो फेल हो गई, तो उसे बाहर की दुनिया में फिर से परीक्षा देने के लिए जाना पड़े या नहीं? दुनिया में भी कोई परीक्षा में बैठता है और परीक्षा में फेल हो जाए तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं है? देनी पड़ती। यहाँ भी ऐसी कोई तपस्या करता है तो तपस्या की परीक्षा ली जाती है। तपस्या में परिपक्व हुआ या कमजोर है? परिपक्व हुआ, इसका मतलब फिर वापस आने की बात नहीं, तो उसे ऊंची स्टेज में जाना है। बच्ची बच्चा क्या होता है? हैं? ये बच्ची बच्चा कहाँ से आ गया? बाबा तो कहते निष्ठा में बैठना नहीं है, कर्म करते याद में रहना है, कर्म करते याद में रहना है या बच्चा में बैठना है? फिर ये भी बताया बच्ची होती है सिर्फ मधुबन में। क्या गीता पाठशालाओं में बच्ची बच्चा करने के लिए नहीं बैठ रहे? फिर आपको 4 बजे उठा करके
बुला करके घरों में से बैठा लिया, या दोपहर को 3 बजे 3 घंटे की बत्ती कर दी, 4 घंटे की बत्ती कर दी, सारा दिन की बत्ती कर दी। ये निष्ठा में बैठना बाबा नहीं सिखाते हैं। अमर जी बेटा अपने घर में बैठो, उनका पाठशाला में जाना है, टाइम से जाना है, सवेरे को जब दिन निकलने लगता है उस समय जाना है। 3:30 को साढ़े 3 अपने घर में बैठो, अपने अपने घर में याद करो, 3:30 बजे रात में घर में से निकलेंगे, घर वालों को संशय पैदा होगा, ये कहाँ जाती है रात रात में, बजाय सर्विस के दिन सर्विस हो जाएगी। टाइम नहीं, टाइम अपने घर में निकालो बाबा, क्लास करो लेकिन निष्ठा नहीं करो। निष्ठा सिर्फ है आधा पौना घंटा याद में इसलिए बैठाया जाता है कि बुद्धि एकाग्र हो जाए, एकाग्र बुद्धि से मुरली सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। बाकी दो दो चार चार घंटे की बत्ती लगा के बैठना, ये मुरली में नहीं बोला है, और न रात में कन्याओं माताओं को दूसरों के घर से बुला के गीता पाठशाला में बैठाना है। हाँ जी, हाँ दूसरों को नहीं बुलाना, आपके घर में बैठो। बाबा 4 बजे, 4 बजे क्लास करोगे तो रात में बुलाना पड़ेगा ना। तो भी उनके घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलते उनको संशय आता है, क्यों बुलाना रात में, बुलाते नहीं है, नहीं है उनको मना करो। मिलने दो उनको टाइम, जो टाइम निश्चित है 6 बजे क्लास करना, 6 बजे 5:30 बजे से निकलता है, गर्मियों में 5:30 बजे से निकलता है, सर्दियों में वो सर्दियों में 5:30 बजे, गर्मियों में 6 बजे निकलता है, जैसे जैसे दिन निकलने का टाइम होता है वैसे क्लास में बुलाना। माताओं को पसंद, माताओं को तो बहुत कुछ पसंद है, माताओं को तो बहुत ज्यादा पसंद है बहुत कुछ, वो घर वालों की परवाह नहीं करती है। हाँ जी, गाँव में खुशी का काम होता है ना, 6 बजे से शुरू होता है। हाँ जी, इसलिए भाई लोग ज्यादा है, दोपहर को माताओं का क्लास रखो, माता भाई लोग ज्यादा है बाबा, भाई लोग ज्यादा है तो भाई लोग जो है क्लास अगर करना चाहते हैं तो दोपहर का क्लास रखे, लेकिन वो ऐसा ना हो जो सर्विस होने की बजाय जिस सर्विस होती रहे और पता भी न लगे। बाबा अभी तो ऐसे क्या क्लास अंदर काम है, 6:30 से वो तो अच्छा है, 5:30 से करो, 6:30 से करो, जिस निकलता है उसके बाद क्लास करना अच्छा है। 3:30 से बाबा शुरू है, सुबह जाते हैं जाए, दोपहर को क्लास करें, शाम को करें, अच्छा अपनी जेब में कैसे कार्ड रख ले कान में सुने काम करते जाए। बपौती माने आपने लौकिक बाप की प्रॉपर्टी बाबा। हाँ ठीक है, जिसको जैसा अनुकूल पड़ता है वैसा करता है, दबाव किसी के ऊपर नहीं देना है। याद नहीं करते तो उनसे बच्ची करना है या नहीं करना है, तो और वो सोएंगे बैठ करके, जबरदस्ती कराएंगे कान पकड़ के, बच्ची नहीं करना है, बच्चा बच्ची कोई चीज ही नहीं होती कंपिल में, यहाँ नहीं कंपिल, कंपिल की बात, कंपिल की बात अलग, कंपिल है मिनिमम, कंपिल मिनिमम वो बाकी लोग पूछ लेंगे,
देख लेंगे, सुन लेंगे। आप अपनी बात सोचिए। बच्ची रात को नहीं और दिन में भी बच्ची नहीं कराना। बच्ची क्या होती बात, खुद ही तो कराने वाले कराएंगे। आपको कुछ जानकारी नहीं, जो कराने वाले वहाँ बैठे हैं उनको कुछ डायरेक्शन मिले हुए हैं ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कुछ नहीं क्या लगा। आज में राम फेल हो गया तो आदित्य राम फेल हो गया। अगर फेल नहीं होगा तो राधा कृष्ण को राजा ही कैसे मिलेगी। किस आधार पर फेल हो गए, राधा कृष्ण ऐसी आत्माओं को राजा ही मिलनी है कि नहीं। बच्चों को ऊपर उठा के बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, माँ बाप को नीचे बैठना है, तो हारा कौन और जीता कौन, हो गया ना ये कि आज में भी किसको ऊपर बैठा दिया, मम्मा बाबा ऊपर बैठ गए और राम सीता चले गए। हाँ जी, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को ऊपर उठाता है। माँ बाप सबसे फर्स्ट क्लास दास साथी होते, सारी जिंदगी कमाई करेंगे, बाल बच्चों की पैदाइश करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सारी जिंदगी कमाई करेंगे। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो सारी जिंदगी की कमाई उनको सौंप करके वानप्रस्थी हो जाओगे।